गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, आवर हेरिटेज। हेरिटेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विरासत। नाउ व्हाट इज हेरिटेज? द ट्रेडिशंस, क्वालिटीज एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। जो हेरिटेज होती है, हेरिटेज विरासत आपकी क्या होती है? जिसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज हो, ठीक है, क्वालिटी हो, कल्चरल से रिलेटेड हो, जैसे जो सांस्कृतिक चीज़ें हमारी रहती हैं, ठीक है, और जैसे भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह, जैसे आगरा का ताजमहल, ये क्या है? ये हमारी हेरिटेज है, हमारी विरासत है हमारी कंट्री की, ठीक है। और जो बहुत टाइम पहले बने हों, ठीक है, बहुत टाइम से वो एग्जिस्ट कर रहे हों, ठीक है, और उनकी ग्रेट इंपॉर्टेंस हो हमारी कंट्री में, उनको हम क्या बोलते हैं? हेरिटेज, ठीक है। जैसे कोई भी मॉन्यूमेंट हो गया आपका, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो गई, कोई भी आपकी कल्चरल वैल्यूज़, कोई भी कल्चर हो गया, ठीक है, ये सब हमारे हेरिटेज हैं, ठीक है, हमारी विरासत है हमारी कंट्री की, ठीक। इंडिया इज़ आवर कंट्री, ठीक है, इंडिया हमारी क्या है? हमारी कंट्री है, ठीक है, भारत हमारा देश है, ठीक। इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स रूलर्स, देयर कल्चर्स एंड इसेंशली द मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय देम, ठीक है। जो हमारी जो कंट्री है वो फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में हमारी कंट्री फेमस है। क्यों फेमस है? किस चीज़ के लिए फेमस है? जो यहाँ के रूलर्स थे, ठीक है, मतलब जो यहाँ के राजा महाराजा या जिन्होंने रूल किया, ठीक है, रूलर्स के लिए, देयर कल्चर्स, और उनके जो कल्चर्स थे, जो भी उनकी लैंग्वेज थी, उनके कल्चरल वैल्यूज़ थे, ठीक है, तो उनके लिए, और जो उनके द्वारा बनाए गए जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो उनके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके द्वारा बनाए गए, ये सब आपके पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, ठीक। दीज मॉन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट द हेरिटेज ऑफ आर कंट्री। जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हमारी कंट्री के हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हमारी विरासत, हमारी इंडिया की या हमारी कंट्री की जो हेरिटेज है, विरासत है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको दर्शाते हैं, ठीक है। एंड स्टैंड एज एविडेंसेस पोर्ट्रेइंग द एक्सीलेंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ इंडिया। और ये एविडेंस पोर्ट्रे करते हैं कि जो हमारे देश का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल है इंडिया का, ये उसको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं वो किस स्टाइल में बने हैं, कैसे बने हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे जो इंडिया के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको दर्शाता है, ठीक है, उसको पोर्ट्रे करता है, उसको बताता है कि हमारा जो आर्किटेक्चर है वो कितना ज़्यादा बेस्ट है, एक्सीलेंट है, ठीक है, उसका जो वर्किंग है, उसकी जो स्टाइलिंग है, उसको बनाने का जो भी तरीका है, ठीक है, उन सबको ये दर्शाता है। द हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, द्रविडियन एंड पारसियन आर्ट टॉक अबाउट इंडियाज 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। जो हिंदू, जैन, ठीक है, बौद्ध लोग, द्रविड़ और पारसी लोग, ठीक है, पारसी लोग, इन सबकी जो आर्ट है, ठीक है, वो इंडिया के 5000 साल पहले जो सभ्यता थी उसके बारे में बताता है, ठीक है, कि वो कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, वो उनके जो टेम्पल या उनके जो घर थे वो किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हुए थे, ठीक है, कैसे बने हुए थे, उनके घर कैसे थे और वो कैसे रहते थे, ये सब उन सबकी सिविलाइजेशन के बारे में बताता है, ठीक। टुडे दीज मॉन्यूमेंट्स आर प्रोटेक्टेड एंड looked after by a government agency known as the Archaeological Survey of India ASI, ठीक है, लेकिन अब आज इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट और इनकी देखभाल कौन करता है? इन मॉन्यूमेंट्स की जो प्रोटेक्शन है और जो उनकी और इन मॉन्यूमेंट्स का मेंटेनेंस, इनका रख रखाव, इनकी देखभाल कौन करता है? गवर्नमेंट एजेंसी करती है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, ठीक है, ASI स्टैंड फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो एजेंसी है ये सारे मॉन्यूमेंट्स का रख रखाव, ठीक है, और उनके प्रोटेक्शन उनके मेंटेनेंस का ध्यान रखती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ किंग अशोका।
जो किंग अशोका हैं, मौर्यन पीरियड के मौर्यन रूलर हैं, ठीक है, मौर्य समाज के मौर्य शासक थे किंग अशोका, ठीक है। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। अशोका द ग्रेट वॉज अ फेमस एंड एन इमिनेंट मौर्यन रूलर। जो अशोका है वो मौर्यन पीरियड के बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध विख्यात मौर्यन रूलर है, ठीक है। ही डिड अ लॉट ऑफ चैरिटेबल सर्विसेज। उन्होंने बहुत ज़्यादा चैरिटेबल सर्विसेज की हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक सेवाएं उन्होंने दी हैं, ठीक है, बहुत लोगों के लिए बहुत काम किया है। एंड बिल्ट ग्रेट मॉन्यूमेंट्स थ्रू विच ही स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, ठीक है, और उनके थ्रू वो लॉर्ड बुद्धा हैं, उनकी टीचिंग्स, उनकी जो शिक्षाएँ थी उनको स्प्रेड उनका प्रचार प्रसार किया है अपने मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है, जो उन्होंने बनवाए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज सांची स्तूप, ठीक है। ये भी किसने बनवाया था? किंग अशोका ने, ठीक है, मौर्यन पीरियड में ये बिल्ट हुआ था, ठीक है। इट इज़ बिल्ट ऑन अ हिल लॉक 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भोपाल इन मध्य प्रदेश। ये कहाँ बना हुआ है? ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है, ठीक। और ये एक पहाड़ी पे बना है, हिल लॉक पे, ठीक है, बिल्ट ऑन हिल लॉक, पहाड़ी पे बना हुआ है। दिस मॉन्यूमेंट इज़ अ हेमी स्फेरिकल माउंड ऑन विच द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर इंस्क्राइब्ड, ठीक है। जो इसमें क्या, इस मॉन्यूमेंट, ये जो मॉन्यूमेंट है ये हेमी स्फेरिकल है, ठीक है। हेमी स्फेरिकल माउंड मतलब एक अर्धगोला है, गोलार्ध, ठीक है, टीला है, मतलब ये जैसे देखिए डायग्राम में ये क्या है, ये आपका पूरा सर्कल तो है नहीं ना, हेमी स्फेरिकल है, ठीक है, और ये माउंट, ठीक है, हेमी स्फेरिकल माउंट है। और इसमें क्या हो, इसमें आपकी जो जो बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी उनकी जो टीचिंग्स थी वो इन पे लिखी हुई है, ठीक है। इट हैज़ 4 एंट्रेंसेस विथ ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स ऑन ईच। अब इस जो इस सांची स्तूप के 4 एंट्रेंस है, ठीक है, मतलब 4 इसके अंदर जाने के 4 रास्ते हैं, ठीक है, 4 एंट्रेंसेस हैं। और उन एंट्रेंसेस पे क्या बहुत ब्यूटीफुल कारीगरी है, ठीक है, मतलब उसमें कोई, जैसे कि आप यहाँ देखिए क्या है, इसमें आप मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनी हुई है, ठीक है, तो ये ऐसा आपके चारों एंट्रेंस में बना हुआ है, ठीक। देयर इज़ एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट द बेस ऑफ द स्तूपा। जो स्तूप, इस स्तूप के जो बेस में क्या एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है, ठीक है, इसके आधार पे एक इसके बेस में, स्तूप के बेस में, बेसमेंट में क्या है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जहाँ पे विच हाउसेज द इमेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड द लायन कैपिटल ऑफ द मौर्यन पीरियड, ठीक है। और उस म्यूजियम में क्या है, उस म्यूजियम में जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी इमेजेस हैं, ठीक है, उनकी चित्र हैं, लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति बनी हुई है या उनके चित्रकारी की गई है, ठीक, इमेजेस बने हुए हैं। और जो मौर्यन पीरियड के जो कैपिटल था लॉयन, ठीक है, शेर, उस वो भी बने हुए हैं, ठीक है, जो कैपिटल क्या मौर्यन पीरियड। सो थैंक यू क्लास।